हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे अबाउट अगर आपको सारे कंटेनर्स रिमूव करने का जरूरत पड़ता है या डॉकर इमेजेस रन रिमूव करने का जरूरत पड़ता है। मे बी कई बार ऐसा होता है कि आपके पास काफ़ी सारे कंटेनर्स हो गए हैं या आपने इमेजेस काफ़ी सारी डाउनलोड हो गई हैं और आपका सिस्टम आउट ऑफ डिस्क स्पेस हो रहा है, तो आपको हो सकता है कि कंटेनर्स रिमूव करने का जरूरत पड़े, ठीक है। या आपका कोई भी रिक्वायरमेंट अगर इसमें आप चाहते हो तो इसमें आपको वन बाय वन करके अगर आप रिमूव करते हो तो काफ़ी टाइम लेता है। तो देर इज़ अ शॉर्ट वे जो हम यूज़ कर सकते हैं सभी कंटेनर्स या सभी इमेजेस को रिमूव करने के लिए, या आप इसको कुछ अलग तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको सारे कंटेनर स्टॉप करने हैं तो आप उस तरीके से भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं आपको कुछ शॉर्ट तरीके बताऊँगा जिसके थ्रू आप इसमें काम कर सकते हो। तो जैसे यू नो कि अगर आपको कुछ डॉकर सर्च करना है तो आप कमांड लगाते हो डॉकर ps, जिससे आपके रनिंग कंटेनर्स आपको मिल जाते हैं। या अगर आपने ऑफलाइन कंटेनर जो आपने यूज़ किए थे अगर आपने वो देखने हैं तो वो आपको मिल जाते हैं। एक कंटेनर रन कर लेते हैं, डॉकर रन -it ubuntu, और एक मेरे पास और है डॉकर रन -d। बैकग्राउंड में अगर मैं इसको चलाता हूँ, ये है आपका क्लॉक कर सेंट्रल क्लॉकर सेंट्रल स्लैश क्लॉकर। तो आई थिंक ओके, मैं बैश के अंदर आ गया था। तो अभी इसी के बाद हम चलाते हैं डॉकर रन -d क्लॉकर सेंट्रल स्लैश क्लॉकर। तो अगर अभी आप देखोगे तो हमारे पास कितने क्लॉकर रन है उबंटू, और मैं एक और क्लॉक रन करता हूँ zpitazo/clock, let's see। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कंटेनर्स हैं, दो कंटेनर्स हैं जो रन हो रहे हैं और कुछ कंटेनर्स हैं जो मैंने ऑफलाइन मोड में चलाए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ कंटेनर्स गए और जो हमारे एग्जिट हो चुके हैं अब तक, बट ये कंटेनर स्टिल स्पेस लेते हैं। ये ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं अगर आप इनको चलाते हो यूज़ करते हो। तो कंटेनर्स जब आप एग्जिट भी कर जाते हैं तो उनका स्पेस रिमूव नहीं होता, स्पेस वो यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वो कंटेनर्स रिमूव करना है जो एग्जिट कंटेनर्स हो चुके हैं या जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, या सारे कंटेनर्स को आप किल करना चाहते हो, तो आप ये कमांड यूज़ करोगे। तो डॉकर ps -a हम लोग यूज़ करते थे सारे रनिंग कंटेनर्स देखने के लिए। अब आप चाहो तो यहाँ पे इसको एज ए आर्गूमेंट पास करा सकते हो। तो अगर आप डॉलर सिंबल यूज़ करते हो तो ये एज ए आर्गूमेंट यूज़ होता है। तो अगर मैं अब यहाँ पर डॉकर स्टॉप और उसके बाद अगर आर्गुमेंट पास कराता हूँ डॉकर ps-a, तो ये क्या करेगा, मुझे सारे कंटेनर्स रिटर्न कर देगा डॉकर ps कमांड के थ्रू जो मेरे ऑफलाइन मोड में है, राइट। ऑफलाइन मोड में भी हैं उन कंटेनर को भी ये रिटर्न कर देगा और मैं उनको चाहूँ तो स्टॉप कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ डॉकर स्टॉप अगर मैंने अपना आर्गुमेंट पास कराया डॉकर ps -a -q ताकि वो लिस्ट के अंदर आ जाए, तो अगर मैं इस कमांड को चलाता हूँ तो ये मुझे सारे मेरे कंटेनर्स को स्टॉप कर देगा जो मैंने डॉकर में यूज़ किए हैं वाया ps कमांड। तो अभी आप देखोगे तो मैं इसको रिमूव करता हूँ डॉकर ps -a -q। तो यहां पे मेरे कंटेनर सारे स्टॉप हो रहे हैं और आप देख सकते हो मेरे यहां पे ही सारे कंटेनर्स स्टॉप हो गए। सिमिलर वे में आप अलग कमांड्स भी यूज कर सकते हो। अगर जैसे डॉकर कंटेनर्स आपको रिमूव करने हैं तो आप rm कमांड यूज कर सकते हो और rm कमांड के थ्रू आप ये सारे कंटेनर्स को रिमूव कर सकते हो। तो आप यहां पे देख सकते हो मेरे सारे कंटेनर्स रिमूव हो गए।
अगर मैं डॉकर पीएस करता हूँ तो आप देख सकते हो कोई भी मेरा कंटेनर रनिंग में नहीं है, स्टॉप हो चुके थे क्योंकि वो, और अगर मेरा ऑफलाइन कंटेनर मैं चेक करता हूँ तो वो भी कोई कंटेनर नहीं है। सॉरी फॉर मिस यूज डबल के। सो मेरा कोई भी कंटेनर ऑफलाइन में भी एग्जिट हो चुका है। अभी सिमिलर वे में अगर आपको इमेजेस रिमूव करनी है तो अगेन आप डॉलर डॉकर इमेजेस के थ्रू रिटर्न करा सकते हो अपना आर्गुमेंट, और इसको आप अगेन डॉकर आरएमआई कमांड के थ्रू, या अगर आप फोर्सफुली रिमूव करना चाहते हो तो डॉकर आरएमआई हाइफन एफ कमांड के थ्रू यूज़ करा सकते हो। तो ये क्या करेगा, डॉकर आरएमआई हाइफन एफ फोर्सफुली रिमूव करने के लिए, और किन इमेजेस को रिमूव करेगा, जो भी इमेजेस यहाँ पर मिल रही हैं उसको डॉकर इमेजेस के थ्रू। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे सारी इमेजेस यहाँ पर डिलीट हो चुकी हैं। तो अगर मैं देखता हूँ डॉकर इमेजेस, तो अब मेरे पास कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है। तो आई होप नाउ अभी आपको आइडिया होगा कि आप किस तरीके से स्टॉप कर सकते हो कंटेनर्स को, या सभी कंटेनर्स को रिमूव करना चाहते हो। तो याद रखिएगा डॉकर पी एस हाइफन ए, एंड इसको लिस्ट मोड में कराना जरूरी है, तो हाइफन क्यू जरूर लगाइएगा। तो डॉकर स्टॉप, डॉकर जो भी आप पैरामीटर देख के अपने कंटेनर्स को, जो भी आप कंटेनर्स का आउटपुट निकालना चाहते हो, उस आउटपुट को आप एज ए आर्गूमेंट पास करा सकते हो डॉकर स्टॉप कमांड। सिमिलरली आप डॉकर आरएम कमांड के थ्रू कंटेनर्स को रिमूव कर सकते हो, और उसके लिए जो कंटेनर्स का आउटपुट चाहिए आपको वो डॉकर पी एस हाइफन ए जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसके थ्रू मिल जाएगा। और इमेजेस को रिमूव करने के लिए आप अगेन डॉकर आरएमआई या आरएमआई प्लस हाइफन एफ कमांड को यूज़ कर सकते हो, अगर वो कंटेनर रनिंग में है तो उसको फोर्सफुली रिमूव कराने के लिए। अगर वो इमेज वाया कंटेनर यूज़ हो रही है तो वो आपको रिमूव नहीं करने देगा। तो अगर आप फोर्सफुली उस इमेज को रिमूव करना चाहते हैं तो आप हाइफन एफ कमांड को यूज़ कर सकते हैं, और अगेन आउटपुट के लिए आप एज ए आर्गूमेंट डॉकर इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, जो आपका जो भी आउटपुट आएगा उसको एज ए आर्गूमेंट पास कर देगा डॉकर आरएमआई कमांड। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आपको पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट वीडियो पर मूव कर सकते हैं। थैंक यू।